एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में 5 बहनें अपनी विधवा माँ सावित्री के साथ रहा करती थी। सावित्री फूल बेचकर अपनी बेटियों का पालन पोषण किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन 5 बहनें अपनी दोस्त की शादी से वापस आ रही थी, लेकिन उन्हें घर आने में थोड़ी देरी हो जाती है। रात के 12 बजने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ घर पर सावित्री को अपनी बेटियों की चिंता हो रही थी कि अभी तक उसकी 5 बेटियां घर वापस क्यों नहीं आईं। आज पूर्णिमा की रात है और 5 बहनें घर से बाहर इतना ज्यादा समय हो गया, 12 बजने वाले हैं। आज ही तो उनका राज सामने आएगा। अगर किसी ने 5 बहनों का असली चेहरा देख लिया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से सावित्री अपनी 5 बेटियों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। और वहीं दूसरी तरफ 5 बहनें जंगल में फंस जाती हैं। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से जंगल, और उस जंगल के अंदर डरावनी आवाजें, जंगली जानवरों के दहाड़ने की आवाजें, जिसे सुनकर 5 बहनें बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। तभी सबसे छोटी बहन कहती है, दीदी, काव्य दीदी की विदाई के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। इस जंगल में कितनी ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय हम किसी भी जानवर का शिकार हो जाएंगे, और इस जंगल में कितना ज्यादा डर लग रहा है। हाँ हाँ बहना, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें इतना समय नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, अब तो बस हमारी रक्षा ऊपर वाला ही कर सकता है। इस तरह 5 बहनें उस जंगल में डर रही थी और ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी। और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं और 5 बहनें उसी जंगल में फूल बन जाती हैं। लाल, गुलाबी, नीली, हरी, फिरोजी, इंसान से खुद को फूल में बदलता हुआ देख 5 बहनें बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, लगता है कि हमारे फूल बनने के पीछे कोई ना कोई राज है। तभी तो आज मम्मी हमें घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रही थी, लेकिन हम जिद करके घर से बाहर निकल कर आ गए। और देखो हमारी जिद का क्या अंजाम हुआ। मम्मी हमारे लिए कितनी ज्यादा परेशान हो रही होंगी। मैं इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बन नहीं पा रही। अगर इसी तरह फूल बने रहे तो कोई ना कोई हमें तोड़ के ले जाएगा, और पता नहीं उसके बाद हमारे साथ क्या होगा। सभी बहनें फूल बनकर बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ सावित्री अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। सावित्री को अपनी बेटियों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, लेकिन उसकी बेटियां उसे कहीं नहीं मिलती। तभी एक काली जादूगरनी पीछे से सावित्री के ऊपर हमला कर देती है। काली जादूगरनी को अपने सामने देख कर सावित्री डर जाती है और उससे कहती है, मुझे इसी बात का डर था कि जैसे ही मेरी बेटियों की शक्तियाँ मेरी बेटियों के पास आएंगी और वह फूल बन जाएंगी, वैसे ही तुझ जैसी काली जादूगरनी को पता चल जाएगा कि मेरी बेटियाँ जादुई फूल बन चुकी हैं। लेकिन अफसोस कि तेरी यह तड़प, तेरी यह बेचैनी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि मैं कभी नहीं बताऊंगी कि मेरी बेटियाँ कहाँ हैं। तुझ जैसी काली जादूगरनी को रोकने के लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं कभी नहीं बताऊंगी, कभी भी नहीं। अरे सावित्री, इतनी बेवकूफ क्यों बनती हो। वो तुम्हारी अपनी सगी बेटियां कहाँ हैं, तुम्हारी मालकिन की बेटियां हैं। फिर तुम अपनी मालकिन की बेटियों के लिए अपनी जान देना क्यों चाहती हो। देखो मैं किसी के ऊपर रहम नहीं खाती, तुम्हें भी मार दूंगी। और रही जादुई फूल बनने वाली 5 बहनों की बात, एक ना एक दिन उनकी सुगंध मुझे अपनी ओर आकर्षित कर ही लेंगी, और उस समय मुझे पता चल जाएगा कि 5 फूल बहनें कहाँ पर हैं, और उसके बाद मैं उन्हें मारकर खा जाऊंगी। फिलहाल तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं बताना मत बताओ। सावित्री काली जादूगरनी से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सावित्री शक्तिशाली काली जादूगरनी का सामना नहीं कर पाती, और वह जादूगरनी बेचारी सावित्री के ऊपर एक खतरनाक खंजर से वार कर चली जाती है। काली जादूगरनी को लगता है कि सावित्री मर चुकी है, लेकिन उसकी अभी भी कुछ सांसें चल रही थी। वहीं 5 बहनों को पता चल जाता है कि फूल से इंसान कैसे बनना है, क्योंकि उनकी जादुई शक्तियां उनके अंदर आ चुकी थीं, और वह फूल से इंसान बनकर अपने घर आने लगती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें जख्मी हालत में अपनी माँ मिलती है, जिसे देखकर 5 बहनें बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं।
माँ माँ, यह आपको क्या हो गया? आपकी हालत किसने की? हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे जान से मार देंगे। दीदी, अब तो हम जादुई फूल बनने वाली बहनें हैं, हमारे पास जादुई शक्तियां हैं। देखो ना माँ, कैसे हम इंसान से फूल बन गए, फूल से इंसान बन गए। जरूर हम अपनी शक्तियों से माँ को भी ठीक कर देंगे। दीदी कुछ करो ना, माँ इस तरह से अकेला छोड़कर हमें नहीं जा सकती, हम माँ के बिना कैसे रहेंगे। माँ, क्या आपको पता था कि हम फूल बहने हैं? दीदी देखो ना, माँ को कितनी ज्यादा चोट लगी है, कितना खून निकल रहा है। माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ कुछ बोलो ना प्लीज। मेरी प्यारी बेटियों, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ना ही कोई जादुई शक्तियाँ, ना ही कोई डॉक्टर और ना ही कोई वेद। अब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन मेरी प्यारी बेटियाँ, तुम काली जादूगरनी के हाथ कभी मत आना। अगर वह तुम्हें अपने साथ ले गई तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी बेटियों, अपने फूल बनने का राज किसी के सामने मत आने देना और ना ही कभी किसी के सामने आना। अब तुम एक बगीचे में फूल बनकर रहना, सभी फूलों के बीच में, और कभी किसी के हाथ मत आना। बेटा, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी जान का बलिदान दिया है, अपनी माँ के इस बलिदान को नष्ट मत होने देना। सावित्री इतना ही कह पाती है और वह अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। अपनी माँ को इस तरह से दुनिया से जाता हुआ देख पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा फोड़ फोड़ कर रोती हैं और अपनी माँ का दाह संस्कार कर वह अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक घने जंगल में, जो एक बहुत ही ज्यादा सुंदर बगीचा था, वहाँ जाकर फूल बन जाती हैं और वह अपनी एक आज़ादी वाली जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेती हैं। और उस बगीचे में जो फूल लेने आता तो वह पांचों फूल बहने किसी के हाथ नहीं आती, और जब बगीचे में कोई नहीं होता तो उस समय पांचों फूल बहने खुले में सांस लेने के लिए फूल से इंसान बन जाती और एक साथ खेला करती, मौज मस्ती क्या करती थी। लेकिन एक दिन अचानक बगीचे की मालकिन आ जाती है और वह पांच पांच लड़कियों को अपने बगीचे में देखकर कहती है, हाँ, मेरे बगीचे में पांच पांच लड़कियाँ, वो भी मेरी बिना इजाजत की। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जरूर तुम मेरे बगीचे से मेरे सुंदर फूल तोड़ने आई हो, वो भी फ्री में। तुम जैसे गरीबों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, फूल तोड़कर उन्हें बेचोगी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी बास्केट यहाँ भूल गई थी और उसे यहाँ लेने आ गई। अब तुम पांचों बहनों को मैं जेल करा दूंगी अपने बगीचे में मेरी बिना अनुमति के आने के जुर्म में। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, हम तुम्हारे फूल तोड़ने नहीं आए। हम पांचों बहनें बस एक साथ खेलना चाहती थी, इतनी बड़ी जगह कहीं नहीं दिखाई दी तो बस इस बगीचे में खेलने आ गए। अगर देखो हम चोर होते, तुम्हारे बगीचे के फूल तोड़ते, तो क्या हमारे हाथ में फूल नहीं होते? आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लाल बहन, इस मालकी ने तो हमें इंसानी रूप में देख लिया, अब हमें यहाँ से बचकर जाना चाहिए वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, माँ से क्या वादा टूट जाएगा। ऐसा करते हैं, हम पांचों बहनें अपने फूलों से बहुत ही ज्यादा खुशबू फैलाते हैं, इतनी ज्यादा खुशबू कि वह बेहोश हो जाए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना आज तो गए। गुलाबी फूल बहन की बातें सभी बहनें मान जाती हैं और वह अपने अंदर से अपने फूलों की खुशबू बहुत ही ज्यादा उस बगीचे के अंदर फैला देती हैं, इतनी ज्यादा कि वह बगीचे मालकिन बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वह बेहोश होती है तो पांचों बहनें अपनी अपनी जगह जाकर फूल बन जाती हैं। लेकिन पांचों बहनें उस मालकिन को बेहोश करने के चक्कर में अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा खुशबू बाहर निकालती हैं और वह खुशबू उड़ते हुए काली जादूगरनी के पास पहुंच जाती है और यह खुशबू सुनकर वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पांचों फूल बहनें किस बगीचे में फूल बनकर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही हैं, मुझे अच्छी तरह से पता चल गया, बेचारियां। मेरे साथी चलो, उन पांचों बहनों को लेकर आना है और उसके बाद इस पृथ्वी पर आतंक भी तो मचाना है, किसी को अंदाजा भी नहीं होगा, सब मेरे गुलाम होंगे, मेरी गुलामी करेंगे और उन सबके ऊपर मैं राज करूंगी। अब मेरा बचपन का सपना पूरा होने वाला है, उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता।
बेचारे पांचों जादुई फूल बनने वाली बहनें अब मेरी कैद में होने वाली हैं। इस तरह से काली जादूगरनी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और वह अपने कुछ साथियों को लेती है और जादुई पांचों फूल बहनों को लेने के लिए उस बगीचे में पहुंच जाती है। काली जादूगरनी को देखते ही पांचों फूल बहनें दूसरे फूलों के पीछे छुप जाती हैं। जादूगरनी पांचों बहनों को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन वह काली जादूगरनी को नहीं मिल पाती। दीदी दीदी, इस काली जादूगरनी ने तो हमें ढूंढ लिया, अब हम क्या करेंगे? माँ ने हमसे कहा था कि हमें इसके हाथ नहीं आना, कुछ भी हो जाए। अगर ये हमें अपने साथ ले गई तो क्या होगा दीदी? नहीं नहीं मेरी प्यारी बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हमें बहुत समय से ढूंढ रही है, सभी फूलों के बीच में हमारी पहचान नहीं हो पा रही। इसका जादू काम नहीं कर रहा और हम इसके सामने आएंगे नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा। बस हमें इस तरह से छुपकर यहीं पे बैठे रहना होगा। हम इस दुष्ट काली जादूगरनी के सामने नहीं जाएंगे। मैं चाहती तो बहुत हूँ उसके सामने जाना और इसे मारना, अपनी माँ की मौत का बदला लेना, लेकिन माँ से वादा किया है कि हम इसके सामने नहीं जाएंगे, बस इसलिए नहीं जा रही। हमें यहीं पर छुपकर बैठे रहना होगा। इस तरह से पांचों बहनें छुपकर बातें कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ काली जादूगरनी अपने साथियों के साथ बगीचे में पांचों जादुई फूल बहनों को ढूंढ रही थी और वह सभी फूलों को तोड़ ताड़ कर एक तरफ फेंक देती है। गुस्से में सभी पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देती है, पूरे बगीचे में आतंक मचा देती है, लेकिन फिर भी पांचों बहनें बाहर निकल कर नहीं आती। तभी काली जादूगरनी सोचती है कि पांचों बहनें इस तरह से तो उसके सामने आएंगी नहीं, तो वह बगीचे में जो लोग मौजूद थे उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। बूढ़ी औरत को, मासूम मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, उनके चारों तरफ आग लगा देती है। मासूम मासूम बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अरे जादूगरनी, मेरे पोते पोती को छोड़ दो, उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो मासूम बच्चे हैं, उनकी आग बुझा दे, वो मरकर जलकर राख हो जाएंगे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दे। बुढ़िया चुप हो जा, अगर तूने ज्यादा बकबकी तो तेरे भी चारों तरफ आग लगा दूंगी। चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहे अगर तू अपनी जिंदगी चाहती है तो। और तुम सुनो जादुई फूल बनने वाली बहनों, मुझे पता चल चुका है कि तुम इसी बगीचे में हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं इन प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को ना मारूं, इस बुढ़िया को ना मारूं, तो चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। मुझसे छुपकर तुम नहीं बच सकती। मेरा क्या है, मेरे हाथ तो हमेशा खून में रंगे रहते हैं। जैसे मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा, तुम्हारी माँ जैसी तुम्हारी आया को मारा, वैसे ही इन्हें भी मार दूंगी। इसलिए चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। पांचों फूल बहनों से काली जादूगरनी का अत्याचार नहीं देखा जा रहा था कि उनकी वजह से किसी भी इंसान को कोई नुकसान पहुंचे, और वह तुरंत काली जादूगरनी के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अपने सामने पांचों फूल बहनों को देखकर काली जादूगरनी बहुत खुश होती है। दुष्ट काली जादूगरनी, हम तेरे सामने आ गए, अब तू इन प्यारे मासूम बच्चों को और बूढ़ी अम्मा को छोड़ दे। तेरी दुश्मनी हमसे है, इन मासूम बच्चों से और बूढ़ी अम्मा से नहीं। मुझे पता था, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। इस तरह से अपनी आंखों के सामने मासूम बच्चों को बुढ़िया को मरते हुए नहीं देख सकती। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी माँ भी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, और उसके बाद क्या हुआ था, मैंने उसे मार दिया था। इन्हें तो मैं छोड़ दूंगी लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। तुम जादुई फूल बहनों मेरी शक्तियां हो, अब तुम पांचों बहनों को खाकर मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली काली जादूगरनी बन जाऊंगी। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी इस दुनिया में कोई नहीं होगी। तुम्हें अब मैं कच्चा ही चबाकर खा जाऊंगी। आ जाओ जादुई फूल बनने वाली पांच बहनें, आ जाओ। ऐसा कहकर जादूगरनी अपने साथियों के साथ पांचों फूल बहनों को लाने के लिए कहती है। जैसे ही उसके साथी आगे बढ़ते हैं तो पांचों बहनें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और उन सभी शैतानों को मार गिराती हैं। यह देखकर जादूगरनी गुस्से से तिल मिला जाती है और उसके बाद वह खुद जाती है और पांचों फूल बहनों से लड़ाई करती है। काली जादूगरनी और पांचों फूल बहनों के बीच बहुत ही ज्यादा भयंकर लड़ाई होती है। पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती हैं और वह काली जादूगरनी का सामना नहीं कर पाती। उन्हें लगता है
कि अब वह भी अपनी माँ की तरह मर जाएंगी। लेकिन तभी पांचों बहनों के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी शक्तियों से एक विशाल शक्तिशाली फूल बन जाती हैं और उसके बाद काली जादूगरनी से लड़ाई करती हैं और पांचों फूल बहनें अपनी शक्तियों से उसे मार गिराती हैं। बुराई का अंत हो जाता है और पांचों बहनें जादूगरनी को मारकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। हम बेकार में ही इस काली जादूगरनी से डर रहे थे और इतने सारे साल हमने ऐसे ही कैद में बिता दिए। अगर हमें पहले पता होता कि हम इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं तो हम इसका कब का सर्वनाश कर देते। चलो अंत भला तो सब भला, अब बुराई का अंत हो चुका है, अब हम आजादी से सांस ले सकते हैं और एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमने हमारे माता पिता का और अपनी प्यारी आया की मौत का बदला ले लिया। जादुई पांचों फूल बहनें काली जादूगरनी का सर्वनाश कर बहुत खुश होती हैं और वह आजादी से अपनी जिंदगी व्यतीत करती हैं। जब उनका दिल चाहता वह इंसान बनकर इंसानों के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती और जब दिल चाहता वह फूल बनकर फूलों के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती। इस तरह जादुई पांचों फूल बहनें अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत ही ज्यादा सुंदर बगीचा था और उस सुंदर बगीचे में फूल परियां रहा करती थी। फूल परियों की दोस्ती जंगल के जानवरों से और पक्षियों से भी थी। फूल परियां, जंगल के जानवर और सभी पक्षियां एक साथ हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन अचानक रानी फूल परी को एक सूचना मिलती है और वह सभी फूल परियों को इकट्ठा करती हैं। जंगल के जानवर भी इकट्ठा हो जाते हैं और सभी पक्षियां भी। जब सब इकट्ठा हो जाते हैं तो लाल फूल परी रानी फूल परी से कहती है, रानी फूल परी ऐसे क्या जल्दी थी कि आपने जंगल के सभी जानवरों को, सभी पक्षियों को और बगीचे के सभी फूल परियों को इकट्ठा किया है? आखिर आपको क्या सूचना मिली है? कोई डरने वाली बात तो नहीं? क्या कोई हमारे पर मुसीबत तो नहीं आने वाली? कहीं जंगल को काटने इंसान तो नहीं आ रहे, या फिर हमारी फूल परी बगीचे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? आखिर क्या बात है, जल्दी बताइए ना। अरे रे लाल फूल परी, यह तुम एक साथ में कितनी ज्यादा बात करती हो। रानी फूल परी को बोलने का मौका तो दो, तुम बोलने का मौका ही नहीं देती। जब देखो बस बोलती रहती हो। रानी फूल परी बताइए, आखिर आपको हमें क्या बताना है? मुझे कुछ समय पहले ही मौसम विभाग से एक बहुत खतरनाक जानकारी प्राप्त हुई है। 2 दिन बाद बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, और सिर्फ तूफान ही नहीं बहुत खतरनाक बारिश भी तूफान के साथ आएगी। और जब इतना ज्यादा तूफान, इतनी भयंकर तूफान और बारिश होगी तो आप सभी समझ सकते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे फूलों का क्या होगा, जंगल के जानवरों का क्या होगा, पक्षियों का क्या होगा। बाढ़ भी आने की आशंका है, बस इस बात से मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। रानी फूल परी, तो आपने क्या सोचा, क्या कोई उपाय है बारिश के कहर से बचने का? हाँ हाँ जंगल के शेर राजा, मैंने कुछ सोचा है कि जानवरों के लिए पत्थर का इतना मजबूत घर बने कि बारिश के कहर से और तूफान से उस घर को कोई नुकसान न पहुँचे, और उस घर के अंदर सभी जानवर सेफ रहें, और सभी पक्षियाँ अपने अपने घोंसले पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लें, और हम सभी फूल परियाँ भी अपने घर मजबूत बना लें और अपनी छोटी छोटी डालियों को, अपने बच्चों को बारिश और तूफान से बचाएं। रानी फूल परी, यह तो आपने कह दिया कि आपको जानवरों के लिए मजबूत घर बनाने हैं, पक्षियों को भी मजबूत घोंसले बनाने हैं, लेकिन 2 दिन बाद तूफान और बारिश आने की आशंका है। 2 दिन में हम यह सब कुछ कैसे कर सकते हैं? इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करना, पत्थर इकट्ठा करना, कितना ज्यादा समय लग जाएगा, आपको मालूम भी है? आप सभी ने मुझे फूलों की रानी बनाया है और मेरा कर्तव्य है कि मुसीबत के समय आप सभी लोगों को बचाना, तो इस बात की आप चिंता मत कीजिए। मेरे दरबार में मोटे मोटे पत्थर हैं और मजबूत लकड़ियां हैं जो मेरे सैनिक आप सभी लोगों तक पहुंचा देंगे, और जिसकी मदद से आप घर और घोंसले बना सकते हैं। सभी फूल परियां आप भी अपने घर बनाने में जुट जाएं, वरना इतनी ज्यादा बारिश की वजह से सभी फूलों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और पता नहीं कौन कौन हमारे बीच में नहीं रहे। चलो चलो काम पर लग जाओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ऐसा कहकर रानी फूल परी अपने फूल पर आ जाती हैं और वह अपने सैनिकों से सभी जानवरों के घर बनाने के लिए बड़े बड़े मजबूत मोटे मोटे पत्थर और पक्षियों के लिए मजबूत लकड़ियां भेज देती हैं। रानी परी के इस फैसले से जंगल के जानवर, पक्षियां और सभी फूल परियां तो बहुत खुश थी। अगर कोई खुश नहीं था तो वह थी उनकी सौतेली बहन सफेद परी, जो हमेशा से
फूलों की रानी बनकर सबके ऊपर राज करना चाहती थी। तभी रास्ते में सफेद फूल परी सभी सैनिकों को रोक लेती है और उनसे कहती है, तुम जानवरों के लिए पत्थर नहीं लेकर जाओगे और ना ही पक्षियों के लिए लकड़ियाँ। यह मेरा आदेश है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगी। तुम्हारे बच्चे मेरी कैद में हैं, इसलिए यह पत्थर और लकड़ियाँ यहाँ छोड़कर यहाँ से 9 से 11 हो जाओ। और हाँ, अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की कि मैंने तुम्हें रास्ते में रोका तो फिर भी तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम मेरी बात मानो और किसी को कुछ मत बताना। चले जाओ यहाँ से। बेचारे सैनिक सफेद फूल परी की बात सुनकर डर जाते हैं और वह जानवरों के लिए पत्थर और पक्षियों के लिए लकड़ियाँ नहीं लेकर जाते। और वहीं दूसरी तरफ सभी फूल परियाँ अपने मजबूत घर बना रही थीं। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और अगली सुबह भी हो जाती है, लेकिन जानवरों के लिए पत्थर और पक्षी के लिए लकड़ियाँ नहीं पहुँचती। तो जानवर और पक्षी अपनी एक बैठक करनी शुरू कर देते हैं कि रानी फूल परी ने अभी तक उनके लिए बारिश के कहर से बचने के लिए सामान क्यों नहीं भेजा। तभी वहाँ पर सफेद फूल परी आ जाती है और वह आग में घी डालने का काम करती है। मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि तुमने अपने जंगल की सत्ता बिल्कुल गलत हाथों में दी है। रानी फूल परी चाहती है कि जंगल के सभी जानवर बाढ़ की चपेट में आकर मर जाएं, सभी पक्षियां तूफान से उड़कर मर जाएं और सिर्फ इस जंगल में, इस बगीचे में फूल परियां रानी परी राज करें। तभी तो अपने घर इतने मजबूत बना रही है और तुम्हारे लिए अभी तक कुछ भी नहीं भेजा। वो चाहती ही ऐसा है। अरे नहीं नहीं, रानी फूल परी ने हमसे वादा किया है, वो अपने सैनिकों को भेजने ही वाली होंगी। सफेद फूल परी बिल्कुल ठीक कह रही है। सभी फूल परियां अपने फूलों पर बहुत ही ज्यादा मजबूत घर बना रही हैं, लेकिन अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं। जरूर कोई गड़बड़ है साथियों, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। यह सुनकर सफेद फूल परी बहुत खुश हो रही थी। उसे रानी बनने के सपने आने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी जंगली जानवर रानी फूल परी को सबक सिखाने के लिए निकल जाते हैं और वह बगीचे में जाकर सभी फूलों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। बगीचे में छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, पक्षियां भी जानवरों का ही साथ दे रहे थे। अरे जंगल के शेर राजा, यह तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी डालियों को क्यों तोड़ा? मेरे मासूम बच्चों को कितनी ज्यादा चोट पहुंची है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सब एक परिवार हैं। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। बारिश के कहर से पहले तो तुमने हमारे पर कहर बरसा दिया, ऐसा क्यों किया? गुलाबी फूल परी ऐसा कह रही थी। और वहीं दूसरी तरफ रानी फूल परी को भी पता चल जाता है कि जंगल के पक्षी और जानवरों ने बगीचे में आकर फूल परियों को किस तरह से परेशान किया है। तभी रानी फूल परी आ जाती हैं और वह कहती हैं, अरे यह अचानक आप सबको क्या हो गया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, किसी भी फूल को नुकसान मत पहुंचाओ। आखिर बात क्या हुई है, मुझे कोई बताएगा? और यहाँ तुम क्यों हो? अपने घर क्यों नहीं बना रहे? तूफान और बारिश आने में सिर्फ एक ही दिन बचा है। हम अपने घर कैसे बना सकते हैं? हमारे घर बनाने के लिए तुमने सामान ही नहीं दिया और अपना घर बनाने के लिए तुम रात दिन मेहनत कर रही हो। तुम हमें बेवकूफ समझती हो क्या? यह तुम क्या कह रही हो? कल से मेरे सैनिक तुम्हारे लिए पत्थर और लकड़ियां लेकर जंगल में जा रहे हैं और कुछ फूल परियां भी तुम्हारी मदद करने के लिए निकल चुकी हैं। फिर तुम सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही? रानी फूल परी, क्षमा कीजिए, मेरे पति ने मुझे सब बता दिया है। आपकी सौतेली बहन सफेद फूल परी ने सभी सैनिकों को रास्ते में रोककर सारा सामान छीन लिया और सभी को धमकी दी है, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपको सब सच बता दिया। यह सब कुछ आपकी सौतेली बहन ने किया है। पीली फूल परी की बातें सुनकर रानी परी को अब सब समझ में आ जाता है, जंगल के जानवरों को और पक्षियों को भी। तभी रानी परी अपनी सभी फूल परियों को जानवरों की और पक्षियों की मदद करने के लिए भेज देती हैं। सैनिक लकड़ियां और पत्थर लेकर जाते हैं और फूल परियां उनके घर बनाने में उनकी मदद करती हैं। जब इस बात की खबर सफेद फूल परी को लगती है तो वह गुस्से से तिल मिला जाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सपना अधूरा नहीं रह सकता। मैंने फूलों की, जानवरों की और पक्षियों की रानी बनने के लिए सपना देखा था और वह टूट नहीं सकता। यह सब कुछ पीली फूल परी की वजह से हुआ है ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
इस तरह से सफेद फूल परी गुस्से से तिल मिला रही थी और सभी ने अपने लिए बारिश से बचने के लिए घर बना लिए थे और अपने अपने घरों में कुछ दिनों का राशन भी इकट्ठा कर लिया था ताकि बारिश के समय उससे खाने को खाकर वह अपना गुजारा कर सकेंगे। और एक दिन बीत जाता है और जैसे कि रानी परी को सूचना मिली थी वैसा ही होता है, बहुत तेज तूफान आ जाता है और उस तूफान की वजह से बारिश भी बहुत ज्यादा तेज आ जाती है और वह बारिश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जंगल में पानी भरने लगता है। लेकिन जंगल के सभी जानवर सेफ थे क्योंकि वह मोटे मोटे पत्थरों के बीच में आराम कर रहे थे और पेड़ पर सभी पक्षियां भी अपने मजबूत घोंसलों में रह रही थी और सभी फूल परियां अपने अपने मजबूत घरों में बारिश का मजा ले रही थी। लेकिन सफेद परी को अभी भी चैन नहीं आ रहा था और वह पीली फूल परी से बदला लेना चाहती थी और वह इस तूफान बारिश में बाहर निकल जाती हैं और उसका घर पूरी तरह से तोड़ देती हैं। सफेद फूल परी, यह तुमने क्या किया? मेरा घर क्यों तोड़ दिया? मेरे मासूम प्यारे प्यारे बच्चे वह मर जाएंगे, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जैसी दुष्ट फूल परी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। देखना, तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। इस बारिश के कहर में तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। बेचारी पीली फूल परी, उसका रो रो कर बुरा हाल था और जंगल में बारिश का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पीली फूल परी के बच्चे पानी में बह रहे थे। पीली फूल परी अपने बच्चों को बचाने के लिए पानी में चली जाती है। पीली फूल परी और उसके बच्चे पानी में डूब रहे थे, तभी रानी फूल परी देख लेती है। अरे नहीं, पीली फूल परी और उसके बच्चे कैसे डूब रहे हैं? मैं उन्हें इस तरह से मरता हुआ नहीं देख सकती, मुझे उनकी मदद करनी होगी। नहीं नहीं मम्मी, आपको इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, वरना आप भी इस बारिश के कहर में हमारे पास वापस कभी नहीं आएंगे और आप भी डूबकर मर जाएंगे। जिसके साथ जो हो रहा है होने दो, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम अपने घर में सेफ हैं और हमें सेफ रहना चाहिए। नहीं मेरी गुड़िया रानी, ऐसा नहीं कहते, हमें मुसीबत के समय सबकी मदद करनी चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखो पीली फूल परी और उसके मासूम बच्चे कैसे डूब रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी। बेटा ऐसे नहीं कहते। रानी फूल परी अपने बच्चों को समझाकर पीली फूल परी और उसको बच्चों को बचाने के लिए इतनी तेज बारिश और तूफान में अपने घर से बाहर निकल जाती हैं और वह बहुत मुश्किलों के बाद उन सबको बचाकर अपने घर में लेकर आ जाती हैं। पीली फूल परी रानी फूल परी को बहुत ज्यादा धन्यवाद करती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ सफेद फूल परी सबको भड़काने में पीली फूल परी को सबक सिखाने के चक्कर में वह अपना घर मजबूत नहीं बना पाती और उसका घर भी टूट जाता है और वह सबसे मदद मांगती है। नीली गुलाबी फूल परी, मेरा घर टूट गया, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे अपने घर में बुला लो, मुझे अपने घर में बुला लो, वरना इस जंगल के बारिश के कहर में मैं मर जाऊंगी। मुझे अपने घर के अंदर बुला लो, कृपया करके मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सफेद फूल परी, तुमने जो बोया है वो ही काट रही हो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। सफेद फूल परी एक एक करके सभी के पास जाती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और बारिश बढ़ती रहती है और जंगल में बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और सफेद फूल परी उस पानी में डूब रही थी। वह बहुत रोती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है और रानी परी को उसकी आवाज़ पहुंच जाती है और वह उसकी मदद करने के लिए तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाती हैं और वह सफेद फूल परी को मरने से बचा लेती हैं और अपने घर में रहने की उसे जगह देती हैं। सफेद फूल परी को अपने के पर बहुत पछतावा होता है। रानी फूल परी, तुम ही रानी कहलाने के लायक हो, तुम ही इस जंगल की इस बगीचे की अच्छी तरह रक्षा कर सकती हो, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया बचपन से लेकर आज तक, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और आज मुझे मरने से भी बचाया। जब किसी फूल परी ने मेरी मदद नहीं की, जब तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी की पर बहुत पछतावा है। आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी, हमेशा तुम्हारी सगी बहन से बढ़कर तुम्हारा साथ दूंगी। रानी फूल परी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वह अपनी सौतेली बहन को माफ कर देती हैं और कुछ दिन जंगल में इसी तरह बारिश पड़ती रहती है। सब अपने घरों में सेफ थे, खाने के लिए खाना था, इसलिए किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को और किसी भी फूल परी को कोई नुकसान नहीं होता। और जब तूफान और बारिश थम जाती है, बाढ़ का पानी खत्म हो जाता है, तो सब एक साथ दोबारा से एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।